ठीक गाइस देखो एक ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं तो ये वीडियो में तो एकदम बिल्कुल ना के बराबर ही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि याद दिलाने वाला हूँ रिवीजन रिविज़न में पूरी मेहनत नहीं करते हैं बस पेज पलेट लेते हैं बात खत्म हो जाता है पूरा बुक पढ़ने में हो सकता है कि आपको मतलब एक दो तीन महीने लग जाए लेकिन रिविज़न करने में हो सकता है कि आपको दो चार पाँच घंटे लगे ठीक है क्योंकि रिविज़न के लिए सारे पॉइंट्स पहले ही बना लिए जाते हैं ठीक है और मेन हेडिंग कोई रिव्यू ज़्यादातर फोकस में रखा जाता है और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं खुद से भी थोड़ा करना पड़ता है मतलब मेरे कहने का मतलब है पूरा टेक्निकली फाइनेंशियली और जो भी है फंडामेंटली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कई बार बता रखा हूँ कई बार बता रखा हूँ यहाँ पर तो बस मैं आप लोगों को दोबारा याद दिलाने आया हूँ बस मैं आपको याद दिलाने आया हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं सूर्या रोशनी स्टॉक मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बता रखा है जब इस कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत कम था बहुत कम मतलब बहुत ही कम था अभी चार सौ रुपए में रिसेंट में चार सौ रुपए का जब बाजू में था तभी भी मैंने आपको बता रखा है और कई वीडियो बना रखा हूं सूर्य रोशनी के ऊपर दोनों कान खोल कर और आ खोल कर सुनिएगा ये स्टॉक अभी भी यहां से काफी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है नो मजाक ओके कोई यहां पर कॉमेडी नहीं चल रहा है पूरा सीरियस मैं आपको बता रहा हूं यहां पर पूरी तरीके से और देखिए बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर फेंकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है बड़ी बड़ी अब जैसे मैं मान लेते कि मैं एच डी एफ़ सी बैंक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ करके तो भाई एच डी एफ़ सी बैंक ऑलरेडी बहुत बड़ा बैंक है बहुत बड़ी कंपनी है तो एच डी एफ़ सी बैंक के ऊपर जिसको जितना फेंकना है फेंक दो लोग लपेटने वाले यहाँ बहुत हैं लेकिन छोटे स्टॉक के ऊपर एक परसेंट भी नहीं फेंका जा सकता बात समझने की कोशिश कीजिए यहां पर समझ लो ना छोटे स्टॉक के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है बड़े स्टॉक के ऊपर कुछ भी नहीं करना पड़ता बिना ब्रश किए मुंह से बोल दो चलेगा समझ लो ना यहां पर ना ब्रश करने से भी काम नहीं चलता भाई पूरा बॉडी शुद्ध होना चाहिए मेरा कहने का मतलब है कि पूरा कंपनी के बारे में जानकारी लेके ही बोलना पड़ता है बड़ी कंपनी के बारे में तो भाई चलते फिरते हाथ हिला दो हो गया करके ये फर्क होता है और जब रिजल्ट होता है तो रिजल्ट में ऐसी कंपनी आप लोगों को मतलब 100 200 500 परसेंट तक का रिटर्न निकाल के देती है और जो बड़ी कंपनी होती है वो भी देती है रिटर्न लेकिन पाँच दस पंद्रह बीस परसेंट तक का मैक्सिमम रिटर्न निकाल के देती है बस फर्क इतना ही होता है कंपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है बहुत सारे लाइट हो जाता है होम अप्लायंस हो जाता है फैन वगैरह हो जाएगा स्टील पाइप हो जाता है साथ में पीवीसी पाइप वगैरह भी हो जाता है और कंपनी नए प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के कोने कोने में अपना काम कर रही है लेकिन एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी और इनके पास काफी अच्छे खासे क्लाइंट भी हैं जेएसडब्ल्यू टाटा और भी मतलब एल वगैरह जैसे हो जाते हैं ये जो बड़े बड़े कंपनी ने इनके क्लाइंट हैं यहां पर पाइप सेक्टर में देखोगे ना तो इनके पास तीन टाइप देखो पूरी दुनिया में तीन टाइप के पाइप होते हैं सी वी पी पी यूपी वी सी ऐसे कुछ करके होता है और एक पी वी सी करके होता है ये तीन टाइप के पाइप होते हैं एक पाइप होता है मतलब घर के मजबूत अगर मान लेते हैं कि अगर पचास साल सौ साल लंबे समय के लिए तो उसके लिए एक अलग पाइप होता है और एक केमिकल पास होने के लिए तो उसके लिए एक अलग पाइप होता है एक जनरली केवल नॉर्मल पानी जाने के लिए जहां पर मान लेते हैं कि काफी ज्यादा पानी फ्लो होता है तो उसके लिए अलग पाइप होता तो ये सारे टाइप के पाइप में डील करते हैं स्टील पाइप वगैरह देख लीजिए यहां पर कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है और आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो कंपनी में लोग खरीदने वाले हैं ना कि लोग बेचने वाले हैं और मैं तो पूरी तरीके से इंतजार कर रहा हूं कंपनी के रिजल्ट के बारे में देखो इस बात की स्योरिटी और गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि आने वाले दिनों में जो कंपनी का रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा ही होगा क्योंकि देखो मैं ये ट्रेडिंग नहीं करता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और ये जो क्वार्टर रिजल्ट होता है ना भाई ये केवल एक तीन महीने का रिजल्ट होता है तीन महीने का हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं भाई तो हमें दो तीन महीने से क्या लेना देना है कि नहीं हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जिसका एक या दो क्वार्टर रिजल्ट खराब भी हो जाता है हो जाता है हो जाता है अच्छे अच्छे कंपनी का हो जाता है लेकिन लंबे समय में देखो कंपनी वापस पटरी पे आ भी जाती है इसलिए एक या दो क्वार्टर मैं ये नहीं बोलूँ कि क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा नहीं नहीं मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ केवल एक क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए है ये पूरी तरीके से गलत स्ट्रैटेजी है फ़र्क बस यही है कि चीज़ें जब सस्ता मिलता है तो हमें ख़राब मिलता है लगता है जब वही स्टॉक महंगा होता जाता है तो फिर हमें अच्छे लगने लगता है क्योंकि स्टॉक जब महंगा होता है तो क्यों अच्छा लगता है क्योंकि वो अपना परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर देता है ना इस चीज़ से स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू देख लो फाइव के बाजू में था और स्टॉक फोर के बाजू में चल रहा था भाई और देख लीजिए और आज तो ये स्टॉक धीरे 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 पटरी पर आना स्टार्ट हो रहा और फिर क्या होगा कि जब स्टॉक हाई पर चला जाएगा अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो फिर लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हाई पर आ गया तो बताया तो आप लोगों को बहुत पहले से भी जा रहा है मैं बोलूँगा कंपनी के बारे में और जितना ज़्यादा इकट्ठा जानकारी इकट्ठा कीजिएगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि प्रॉफिट आपको मिलने वाला भाई मुझे नहीं मिलने वाला है तो जितना ज़्यादा कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिएगा उतना ज़्यादा और अच्छा रहेगा आपके लिए कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह और अच्छे तरीके से समझिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा टू एटीस है टू थाउजेंड कंपनी के पास पहले रिजर्व कितना था 900 करोड़ का था 992 आज के डेट में देख लीजिए 1491 करोड़ है जो कि हर बार बढ़ता जा रहा हर बार बढ़ता जा रहा कंपनी के पास तो ये एक अच्छा साइन होता है कंपनी के लिए आप पूरी जानकारी देख लो यहाँ पर चार्ट देख लो जितना इसका कंप्यूटर है उतना देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह देख लो सब कुछ देख लो आप चाहे कुछ भी हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि स्टॉक मार्केट है कुछ भी हो सकता है और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डिमिट अकाउंट इंजन में ओपन कर सकते हो जहाँ पर आपका डिमिट अकाउंट बिल्कुल फ्री रहेगा डिलीवरी चार्जेस भी फ्री है केवल ट्वेंटी रुपीज़ लगेगा वो भी इंट्रा डेमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिनटों में जाकर अपना डिमिट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में